वक्त आप मयूर के पीछे जो तस्वीर दिख रही है, कुछ खिलाड़ी हैं जो वहां पर अभी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। मयूर, एक्साइटेड तो आप भी बहुत है कल के होने वाले मुकाबले को लेकर, लेकिन आपके पास कुछ प्लेयर्स भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा जानिए उनके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है। बिल्कुल, पूरे देशवासियों में इस वक्त एक्साइटमेंट है इस बात को लेकर कि कल एशिया कप का फाइनल होगा जिसमें भारत के सामने श्रीलंका होगी। और 2011 की जो तस्वीर थी जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, जब श्रीलंका को फाइनल में भारत ने हराया था, वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, कहीं ना कहीं उसी तरीके की तस्वीरें कल भी हों, ये सभी को उम्मीद है। लखनऊ का केडी सिंह बाबू स्टेडियम है जहां इस वक्त मौजूद है और तमाम युवा खिलाड़ी मेरे पीछे हैं, तमाम पीछे जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी एक न एक दिन देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए खेलना है। इनसे बात करेंगे युवाओं में कितना ज्यादा उत्साह है मैच को लेके। आपका क्या नाम हो गया? वसीम अहमद। श्रीलंका से कल फाइनल है, क्या तैयारी है? अच्छी तैयारी है। हा? अच्छी है। जीत जाएगी इंडिया? जीत जाएगी। कल बांग्लादेश वाला मैच देखा? हाँ। हार गए? निराश हो कि खुश हो? निराश। निराश हो तो क्या कॉन्फिडेंस कुछ कम हुआ है क्या? नहीं, कल जीत जाएंगे। हाँ, इतनी उम्मीद है। इतनी उम्मीद है। आपको क्या उम्मीद है कल के मैच की? जीत जाएंगे कल का मैच। जीत जाएंगे पक्का? पक्का। कल कौन शतक मारेगा? कोई शतक मार सकता है क्या? कोहली मार सकते हैं, रोहित शर्मा। कोहली, रोहित शर्मा मार सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ ये दोनों चलते भी बहुत हैं। कौन चलेगा कल? रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा। आपकी क्या उम्मीद है? शुभमन गिल। शुभमन गिल कल तो बड़ा अच्छा खेले, 121 रन बनाए लेकिन जीत नहीं दिला पाए। अफसोस हुआ थोड़ा। देखिए और भी हमारे साथ हैं भाई साहब, जो कल चेंजेस किए गए क्योंकि आप क्रिकेट के कोच भी हैं, कल क्या जरूरी था? 5 चेंजेस भारतीय टीम ने किए और अंत में रिजल्ट ये निकला कि इंडिया बांग्लादेश से हार गई। शर्मनाक इसको कहेंगे, फाइनल से पहले हारना, डिमोटिवेट होगी टीम, क्या चेंजेस करना जरूरी था? नहीं, कहीं ना कहीं टीम मीटिंग और कहीं ना कहीं टीम डिसाइड हुई, कुछ इसके आगे पर्पस होगा, कोई वजह होगा, क्योंकि और भी बाकी टीम के सदस्य हैं उनको देखते हुए, बल्कि बैटर और जो बॉलर थे, बैट्समैन बोला, अपना अपना परफॉर्मेंस दिए हैं। हारना जीतना पार्ट ऑफ द गेम है, कि हम हार गए वो अलग की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी हम साइकोलॉजिकल बैक पे आ जाएंगे और हार जाएंगे। अभी जो अभी देखा जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम की इतनी बड़ी हवा बना हुआ था कि ये लेकिन उनको हम हराए हैं, और बांग्लादेश से हारने से ऐसा नहीं है कि हम नर्वस। लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर इस एशिया कप को देखा जा रहा है, तो क्या अगर इसमें एक हार होती है बांग्लादेश जैसी टीम से तो साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट दिमाग पे इसका पड़ेगा? जब प्लेयर्स अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम सारे मैच जीते और जो स्ट्रेंथ है खिलाड़ियों के सामने आए, तो एक्सपेरिमेंट करना जरूरी हो जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करना इसलिए जरूरी होता है कि हम उन बैट्समैन उन बॉलरों को भी देखना चाहते हैं कि जिनको हम टीम में रखे हैं, क्योंकि हमें तो ऑलमोस्ट मालूम है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ये लोग रन कर रहे हैं, हमें ये भी देखना होता है कि बैकअप हमारा कितना मजबूत है, तो बैकअप देखने के लिए वो स्ट्रेंथ देखना। लखनऊ से मयूर हमारे साथ है और साथ ही इस वक्त रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज भी हमारे साथ है, मनीष गुप्ता भी इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके वापस से सभी का रुख करते हैं, देहरादून आपको पहले लिए चलते हैं रामानुज के पास। रामानुज, कुछ और लोग अगर आपके पास मौजूद हो, कितने एक्साइटेड है वो कल, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली की पारी को लेकर क्या सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करिए उनसे जरा। बिल्कुल आकांक्षा, राजधानी देहरादून में कुछ हमारे साथ में युवा भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे, आखिर में रोहित शर्मा, विराट कोहली? रोहित शर्मा शतक लगाएगा, क्योंकि विराट कोहली तो लगा चुका है, अपना काम कर चुका है, शुभमन गिल भी लगा चुका है, अपना काम कर चुका है, लेकिन रोहित शर्मा रह गया है और 30 शतक हो रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि 31 हो जाए, मैं सबसे बड़ा फैन हूँ रोहित शर्मा का, और मैं रोहित शर्मा की हर बार जितनी बार मैं उसी का गेम देखता हूँ, बस गेम देखने की बात है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात है कि कल जब एशिया कप का फाइनल होगा तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या शतक की तैयारी में क्या होना चाहिए? मतलब हमारी तैयारी? जी नहीं, हम तो मिलके ही देखते हैं मैच, दोस्त लोग। ठीक है रामानुज, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। मयूर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मयूर, क्या लग रहा है रोहित शर्मा से जो उम्मीदें हैं लोगों को, कल इन उम्मीदों पर खरा उतरने वाले हैं रोहित शर्मा? देखिए, रोहित शर्मा से हमेशा ही उम्मीदें रहती हैं, भारतीय टीम के कप्तान हैं और उनका जो रिकॉर्ड रहा है श्रीलंका के खिलाफ वो बहुत बेहतर रहा है, हमेशा श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन उनका रहता है। लेकिन श्रीलंका जो बिल्कुल नई नवेली टीम इस बार सामने आई है, उनको बिल्कुल भी हल्के में लेने वाला नहीं है। इसके पहले हमने कंडीशन देखी, बड़े ही मुश्किल से 213 रन तक भारतीय टीम पहुंच पाई थी, हालांकि बॉलिंग अच्छी हुई थी तो श्रीलंका को मात दे पाए थे, लेकिन बार बार वो गलती श्रीलंका नहीं करेगी। इस बार नई तैयारी से वो आएंगे और बांग्लादेश से जो हार हुई है भारतीय टीम की,
तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस श्रीलंका का हाई होगा और भारतीय टीम का कम होगा। हालांकि चेंजेस 5 किए गए थे, इसका भी जो है नफा नुकसान वो तो बाद में आकलन होगा कि क्या फायदा हुआ, लेकिन जो तमाम यहाँ पर युवा है उनसे हम बात कर लें। आपका क्या नाम है? गौरी। गौरी, फेवरेट आपका क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली एक शतक मार चुके हैं, कल भी मारने की उम्मीद है क्या? जी बिल्कुल उम्मीद है। और बांग्लादेश से तो हार गई भारतीय टीम, तो क्या हुआ, शतक मारेंगे जीतेंगे इंडिया, और इस बार एशिया कप जो कप हो रहा है वो इंडिया के नाम होएगा। इंडिया के नाम होगा जो एशिया कप हो रहा है, क्या उम्मीद है आपकी एशिया कप में कल को लेकर? यही उम्मीद है कि इंडिया कल जीतेगी। इंडिया कल जीती, मैच देखते हो बराबर? हाँ। कौन फेवरेट क्रिकेटर है आपका? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत खेल ही नहीं रहे, चोटिल हो रखे हैं इस वक्त। विराट कोहली। विराट कोहली बदल दिया, लेकिन ऋषभ पंत चोटिल है तो विराट कोहली। आपकी क्या उम्मीद है? कल इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, पूरा सपोर्ट है। बांग्लादेश से कल हार गए, बड़ा निराश हुए थे सब लोग। कोई बात नहीं, वो मतलब कोई इतना महत्व वाला मैच नहीं था जो हार गए, उसके बाद फिर आज मेरे पास मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, ओपन भी अच्छे हैं फिलहाल। कल जानबूझ के हार गए, कल ऐसा क्यों? उनका मन नहीं था। ये कौन सी बात है, हर मैच तो स्पोर्ट्समैन चाहता है कि हर मैच जीते, क्यों? आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि मेरे मेन बैट्समैन कल नहीं खेले थे, रेस्ट पे थे, कल खेलेंगे, फाइनल जीतेंगे हम लोग। फाइनल जीतेंगे, आपकी क्या उम्मीद है, आगे आ जाइए? कर इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। आप लाल टोपी लगाए, वेस्ट इंडीज के फैन है क्या? नहीं नहीं, भारत के, बिल्कुल इंडिया की फैन है। और इंडिया के फैन है। फेवरेट प्लेयर कौन है? आप हमारे हार्दिक पांड्या सर हैं। हार्दिक पांड्या अच्छे खेले थे पहले मैच में, उसके बाद से कल का तो अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। जी, जी जी, कल का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन कल रहेगा, कल रहेगा। हार्दिक पांड्या के फैन है यहाँ पर। रविंद्र जडेजा का कौन फैन है? जबरदस्त ऑलराउंडर कौन है? आप सबसे कौन है? रविंद्र जडेजा के फैन है? नहीं है तो हाथ क्यों उठाया? किसके फैन है? विराट कोहली। विराट कोहली, सब विराट कोहली के फैन है आप? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, क्या बात है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी के फैन अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, भले ही महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो चुके हैं, उनका जो प्रभाव है महेंद्र सिंह धोनी का वो इंडियन क्रिकेट टीम पर अभी भी है, क्यों? जी सर, हमेशा रहेगा। आपकी क्या उम्मीद है? जीतेगी इंडिया। क्या होने वाला है, कौन बैटिंग करना चाहिए बॉलिंग करना चाहिए पहले? बैटिंग। बैटिंग, क्योंकि कल पहले बॉलिंग किए टॉस जीत के, तो गलती की ना कल, नहीं करना चाहिए था, बैटिंग करना चाहिए। बैटिंग करना चाहिए, बैटिंग इंडिया की मेन स्ट्रेंथ है, तो अगर उम्मीद है कि 300 से ऊपर रन बना लेते हैं तो जीत पक्की है। हाँ, पक्की। किससे उम्मीद है सबसे ज्यादा? किससे उम्मीद है? विराट कोहली। विराट कोहली। आपको? रोहित शर्मा। आपको? विराट कोहली। आप? विराट कोहली। सबको विराट कोहली से उम्मीद है, अगर नहीं चले तब पोस्टर तो नहीं फाड़ोगे बाद में उसके, हार जाएंगे तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए विराट कोहली के बड़े फैंस हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि अगर हार भी जाते हैं विराट कोहली। ठीक है मयूर, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ, अनुज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अनुज भी हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। अनुज, आप बातचीत करिए कुछ और लोगों से वहां पर, उनका क्या सोचना है कल होने वाले मुकाबले को लेकर, जरा जानिए। बिल्कुल, हम शिवपुर के एक स्टेडियम में है और तमाम बच्चे जो खिलाड़ी है यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि इंडिया को चीयरिंग कर रहे हैं हाथों में तिरंगा लेकर के, और तमाम छोटे बड़े बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं कल के मैच को लेकर के, किस तरीके की तैयारियां हैं, कौन लगता है कौन चलेगा। सभी प्लेयर हमारे अच्छे हैं, सभी से उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि भारत जीतेगा और हमारी टीम डिजर्व भी करती है इसे अगर जीतना। बाकी श्रीलंका में भी अच्छे प्लेयर्स हैं और क्रिकेट 50-50 का गेम है, बाकी अब कल के मैच के बाद ही पता चलेगा। बैटिंग में कौन चलेगा? बैटिंग में काफी अच्छी बॉलिंग, अरे बैटिंग लाइनअप हमारी टीम की, विराट कोहली है, रोहित शर्मा काफी फॉर्म में है, और केएल राहुल जो वापसी किए हैं वो भी काफी फॉर्म में लगे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 100 भी किया। कल 5 जो मेन स्टार प्लेयर थे उनको बैठा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद नतीजा ये निकला, भारत हार गई। कल में क्या लगता है बॉलिंग लाइन किसकी अच्छी होगी? अपने जसवीर बुमराह अच्छे बॉलर हैं, वो अपने अच्छी विकेट लेंगे, और मोहम्मद सिराज भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अपने स्पिनर रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे फॉर्म में है। छोटे खिलाड़ी है हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। चलेगा कल? हाँ। कल का बल्ला किसका चलेगा? कोहली के सारे लोग फैन है आप लोग, कल किसका बॉलिंग अच्छा होगा? अरे बॉलर कौन है आपका फेवरेट है, बॉलर कौन है? कुलदीप यादव। अच्छा, कल के बैटिंग की बात करें तो कोहली के बाद और कौन है भाई? जो हार्दिक पांड्या। शतक कौन मारेगा? रोहित। रोहित शर्मा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं रोहित और विराट कोहली के जो फैन हैं, हमारे साथ कोच भी है, क्या लगता है कल की जो बैटिंग लाइनअप होगी वो किस तरीके होगी, क्योंकि कल जो 5 स्टार खिलाड़ी थे उनको बैठा दिया गया था, जिसमें 4 बॉलर थे और 1 विराट कोहली थे, कल का क्या स्ट्रेटजी होगा? कल हम पूरे पैक साइड के साथ खेलेंगे, और जो कल इन हुए थे वो भी अच्छे प्लेयर है, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी जो हमारे
लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये सब अच्छे फॉर्म में, कल टीम अच्छा करेगी।